नमस्कार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय पहला इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। वर्धा एक जगह है, वहाँ पे स्थित है। ये देख रहे होंगे लोकेशन, बढ़िया खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फीस बहुत कम है। अभी इस पे ये पहला पेज कुलपति का संदेश दिख गया, तो मैं आपको बता दूं कि ये इस पे भी अभी थोड़ी उंगली उठी थी कि यहाँ के कुलपति की नियुक्ति फर्जी है। ये कुलपति मतलब इतने डिग्रीधारी नहीं है, इनके सूद में कुछ लोचा, ऐसी बात उठाई गई थी। हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता या उसके बारे में अभी विस्तार से कोई जानकारी नहीं आई है। ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर चलते हैं। अगर लैंग्वेज वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पर चलता है स्नातक ऑनर्स का कोर्स ऑलमोस्ट हर भाषा में, और इसके अलावा पीएचडी हिंदी में एक कोर्स चलता है, और पीएचडी हिंदी लैंग्वेज टेक्नोलॉजी जिसको भाषा प्रौद्योगिकी कहेंगे, भाषा शिक्षण कहेंगे, इसमें भी कोर्स चलता है। और विदेशी भाषा की बात करें तो स्नातक ऑनर्स का प्रोग्राम है स्पेनिश में, और फ्रांसीसी में स्नातक ऑनर्स का प्रोग्राम है, हिंदी में है, और चीनी में स्नातक ग्रेजुएशन भी ऑनर्स का कोर्स है। तो ये कोर्स आप कर सकते हो। एमसीए का प्रोग्राम है और पीएचडी इन्फॉर्मेटिक्स एंड लैंग्वेज इंजीनियरिंग, एमटेक का प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम है, आप यहाँ से कर सकते हो। हिंदी डिपार्टमेंट की बात करें तो एमए हिंदी साहित्य, एमए तुलनात्मक हिंदी साहित्य, एमए अनुवाद, एमए भाषा शिक्षण, ये सब हिंदी के प्रोग्राम हैं। बीए ऑनर्स हिंदी, स्नातक ऑनर्स अंग्रेजी, बीए हिंदी, ये प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो ड्रामा स्टडीज़ जिसको नाट्य कला शास्त्र कहते हैं, उसमें बीवॉक का प्रोग्राम है ग्रेजुएशन लेवल पर, बीवॉक आप कर सकते हो। स्टेज क्राफ्ट और मंच डिज़ाइनिंग को स्टेज क्राफ्ट ही कहते हैं, अभिनय मतलब एक्टिंग एंड स्टेज क्राफ्ट करके बीवॉक का प्रोग्राम है। एमए इन फिल्म स्टडीज़, एमए इन फिर से नाट्यकला शास्त्र, इसको स्टेज क्राफ्ट कह सकते हैं, है ना, और पीएचडी है नाट्यकला शास्त्र में। इसके अलावा मराठी साहित्य विभाग में एमए साहित्य है, एमए मराठी का प्रोग्राम है, पीएचडी और एमए ये संस्कृत के प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी में, और एमए दलित और जनजातीय अध्ययन का भी प्रोग्राम है, पीएचडी दलित और जनजातीय अध्ययन का प्रोग्राम है, पीएचडी बौद्ध अध्ययन, एमए बौद्ध अध्ययन का प्रोग्राम है, पीएचडी गांधी एवं शांति अध्ययन, और तो ये भी प्रोग्राम है। स्त्री शिक्षा विभाग में एम ए स्त्री अध्ययन है, एम ए वुमेन स्टडीज़ उसको कहते हैं, पी एच डी स्त्री अध्ययन है, एम ए दर्शन शास्त्र में है, पी एच डी भी दर्शन शास्त्र में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अनुवाद अध्ययन विभाग की बात करें तो पी एच डी अनुवाद अध्ययन में है, और प्रवासन और डायस्पोरा स्टडीज़ में पी एच डी उसमें आपको मिल जाएगी, ये सब प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो बी एस डब्ल्यू, एम एस डब्ल्यू और पी एच डी सोशल वर्क यानी समाज कार्य में प्रोग्राम है। मास कम्युनिकेशन की बात करें तो बी जे एम सी, एम ए मास कम्युनिकेशन, पी एच डी ये प्रोग्राम है, और इसके अलावा बात करें अगर एंथ्रोपोलॉजी की तो एम ए मानव विज्ञान, पी एच डी मानव विज्ञान में प्रोग्राम है, ग्रेजुएशन लेवल पर भी ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। राजनीति विभाग यानी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन, एम ए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में एम ए और बी ए ऑनर्स और पी एच डी। इतिहास में ऑनर्स का प्रोग्राम ग्रेजुएशन लेवल पे, और पोस्ट ग्रेजुएशन एम ए इतिहास का प्रोग्राम है। बी ए एल एल बी, एल एल एम और पी एच डी ये तीन प्रोग्राम हैं, ये इसी सत्र से प्रस्तावित है। पी एच डी देखिए अगर होगा तो शुरू हो जाएगा, नहीं होगा तो ना भी हो पाएगा। हमको लग रहा है इकलौती ऐसी यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ पे ये प्रोग्राम हिंदी भाषा में भी चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की बात करें तो बी एड एम एड दोनों प्रोग्राम है, पी एच डी भी सोशल माफ़ कीजिएगा एजुकेशन में हो सकती है। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की बात करें तो ग्रेजुएशन हो जाएगा इसमें, और पी जी डिप्लोमा है। मैनेजमेंट की बात करें तो एम बी ए और पी एच डी कर सकते हो आप मैनेजमेंट में। इसका एक यहाँ इलाहाबाद में भी इसकी एक ब्रांच है जहाँ पे पी एच डी हिंदी साहित्य और स्त्री अध्ययन में, एम ए हिंदी साहित्य अनुवाद और हिंदी भाषा शिक्षण में, एम ए स्त्री अध्ययन, एम एस डब्ल्यू, बी जे एम सी एक वर्षीय और पी जी डिप्लोमा कर सकते हो आप। कोलकाता में भी पी एच डी इन्हीं कोर्सेज में आप कर सकते हो, और यही सब है। अब देखिए और एम ए के प्रोग्राम में एडमिशन कैसे ले पाएंगे, एम ए के प्रोग्राम में आप एडमिशन ले पाएंगे किस तरह से, ग्रेजुएशन के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर। सीट्स की अगर बात करें तो ये सब सीट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और लगभग 15 सीट्स हैं हर डिपार्टमेंट में। एम सी ए के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एम टेक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा एम एड और एम बी ए ये सब आपके जो हैं प्रोग्राम्स, तो इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। ये सब ऑनलाइन लिखित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के मेरिट के आधार पर ये आपका एडमिशन होगा। और इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल पे जो अर्हता है वो परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पे, यानी ट्वेल्थ की मेरिट के आधार पे एडमिशन होगा, लेकिन बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। पीजी डिप्लोमा की बात करें तो पीजी डिप्लोमा भी मेरिट के आधार पे एडमिशन होगा। एडवांस डिप्लोमा की बात करें उसमें भी यही हाल है, तो इस तरह से एडमिशन होंगे। एडमिशन की प्रक्रिया मैंने बता दी है, और अगर फीस की बात कर लेते हैं तो फीस एम ए और एम ए के लिए जो टोटल फीस है वो 2750 रुपये पर सेमेस्टर के आसपास पड़ेगा,
या तो 2250 रुपये भी सिंपल कोर्सेज़ के लिए पढ़ सकता है। एमबीए की फ़ीस 7250 रुपये पड़ेगी और एमएड की फ़ीस आपकी 9750 रुपये पड़ेगी, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एमटेक कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, 4 सेमेस्टर की 90,000 फ़ीस पड़ जाएगी और बीएड की फ़ीस भी कम ही पड़ेगी, एक सेमेस्टर की 7750 रुपये, दूसरे की 4700, तीसरे की 5125 और 4700। ग्रेजुएशन लेवल पे बात करें तो एक सेमेस्टर लगभग आपका 2300 के आसपास का पड़ जाएगा, उसी के हिसाब से जोड़ लीजिए, 18,000 में ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो सकता है। सस्ती फीस है, आप अगर नए भी पढ़ने वाले हो फिर भी पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। हॉस्टल वगैरह सस्ता है, हॉस्टल में मेस का खाना अनिवार्य है, हॉस्टल में मेस महंगी है और आपका हॉस्टल सस्ता है। कितनी मेस की फ़ीस है ये मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि समस्त रहवासियों को मेस का खाना अनिवार्य है, मेस में खाना अनिवार्य है, तो ये बात है वैसे, और बाकी ठीक ठाक है। लीला एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला भी यहाँ पर है और यूनिवर्सिटी कैंपस में वाईफाई रहती ही है और सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं। बाकी मैंने इस कॉलेज के बारे में लगभग आई थिंक हर कुछ बता दिया है, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन कुछ कोर्सेज को छोड़ के, और 8 सितंबर से शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएगा और 28 जुलाई तक चलेगा प्रवेश कार्यक्रम, और बाकी डिटेल मैंने बता ही दी। विदेश से तमाम सारे विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, जिसको भी हिंदी सीखनी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाता है वो हिंदी विश्वविद्यालय में भी आता है, इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय है, तो इसलिए इसका नाम और शोहरत ही है, और 1997 का स्थापित है और गांधी हिल्स वर्धा में है। इंस्टीट्यूट रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर ऐसे ही और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के अपडेट जानने के लिए। इसके पहले आपको ये भी बता दूं कि पीएचडी के एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं इसमें, और उसके लिए मैं अलग से विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। इंस्टीट्यूट रहिए, धन्यवाद, नमस्कार।